अच्छा किया तुमने कि मम्मी से फोन पर बात कर ली। गलती थी मेरी, मुझे उनसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो शुक्र तुम्हें यह एहसास तो हुआ कि तुम्हारी बात गलत। मैंने कब कहा मेरी बात गलत थी? मैंने कहा बात करने का तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि क्योंकि बड़ी हैं वो। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी और खाला का ताल्लुक मेरी वजह से खराब हो। That's it. क्या क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी अम्मी मेरे घर बैठकर माफी मांग रही थी, किरकिरा रही थी, रुस्वा हो रही, और तुम ये बातें कर रही? क्योंकि जिस नस्ल से मेरी अम्मी का ताल्लुक है, उस नस्ल की सारी औरतें यही समझती हैं, गलती हो ना हो उनको लगता है गलती पर है। नवेरा बकवास बंद कर, ये किन खुराफात में पड़ गई हो तुम? अगर इतनी अकड़ थी तो यहां आकर मेरी गाड़ी में क्यों बैठे हो तुम? यही यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं अगर तुम्हारे साथ मजीद कोई ताल्लुक नहीं बढ़ाना चाहती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुराना ताल्लुक भूल जाऊंगी। तुम पे चीखूं, चिल्लाऊं, बदतमीजी करूं, हम कजिन्स भी हैं पहले। तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी सगी बहनें हैं, इन रिश्तों में फासले नहीं आ सकते। भाड़ में गए पुराने रिश्ते और भाड़ में गए तो। And you know what? Just get out of my car. मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। Get out. तुम्हारा हर एक एक्शन ये प्रूव करता है कि मुझे तुम्हें छोड़ने का फैसला बिल्कुल ठीक था। इतनी बेहयाई, इतनी ढिठाई। कल रात मुझसे माफी मांगी और सुबह फिर वही हरकत। मेरा बेटा उसे हॉस्पिटल लेने गया था, ढीठ बनकर बैठ भी गई और उल्टा उसी से सवाल करने लगी। फरा, जरा पता तो लगाओ, किसकी शह पर वो ये सब कुछ कर रही है? मेरा बेटा खूबसूरत है, लाखों कमाता है, उसे रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी भाई, वो किसके चक्कर में किसको फंसाया हुआ है साफ साफ बताती क्यों नहीं है? मेरे बेटे के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों गोली चला रही है? और उस पर ये कि इतनी बेहयाई के बाद उसके माथे पे पशेमानी की एक लकीर भी नहीं है। अलमास, इस वक्त तुम मेरे घर में बैठी हो, मेरी बहन हो, इस बात का लिहाज कर रही मैं, लेकिन तुम भी सोच समझ के बात करो। अपनी जबान से कोई ऐसे अल्फाज ना निकालो नवेरा के लिए जिन्हें मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। जब बेटी को माँ की शह मिल रही हो तो बेटी जो ना करे वो कम है, उसे कौन है पूछने वाला? बेटी को माँ की शय नहीं मिल रही, बल्कि बेटी ने माँ को हिम्मत दिलाई है। काश काश ये हिम्मत हमारी माँ भी हमें दिलाती, हमें नजर उठा के बात करना सिखाती। जिस तरह हमने जिंदगी गुजारी है शायद हम उस तरह नहीं गुजारते, लेकिन हमारी माँ, हमने तो उन्हें हमेशा नजरें झुका के बात करते हुए देखा है। मेरी बेटी ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं नजर उठा के बात कर सकूं और ये बता सकूं कि मेरी बेटी जो कर रही है वो गलत नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक कर रही है। और एक बात बता दूं आपको, मेरी बेटी को रिश्तों का लिहाज है, इज्जत है, तभी वो आपके पास आई आपसे माफी मांगने, अजलान के साथ गाड़ी में बैठ के गई। कोई और लड़की हो तो कभी ऐसा नहीं करती। अजलान ने उसे बीच सड़क पर उतार दिया, लेकिन उसने उफरत नहीं किया, मुस्कुरा कर उतर गई। मेरी बेटी बेहया नहीं है, बावकार है अलमास। सॉरी फरा, इसे बावकार होना नहीं, दोगलापन और चापलूसी कहते हैं, जो तुम्हारी बेटी में कूट कूट के भरा हुआ है। भाई मुझे और मेरे बेटे को ये दो नंबरियां नहीं आती। ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छा है और मेरे लिए मेरा बुरा है। एक महीने में अपने बेटे की शादी इंतहाई खूबसूरत लड़की से करके दिखाऊंगी मैं तुम्हें, उसकी वजह से मेरे आने वाली नसरें संवल जाएंगी, देखना तुम। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तुम्हारे, अल्लाह हिदायत दे तुमको और तुम्हारी बेटी को। जा रही हूँ मैं।
क्या कहा खाला ने?